अजूनी सैबंग गुरप्रसाद। मैं तो ओही कम करा जो तुहानू लकी हो सरदार जी, जो मेहर वर्गी वोटी मिली। और उस तो भी लकी है परम, जिन्हू मेहर वर्गी मां मिली, जो उन्हू इन्ना प्यार कर दी है। मेहर जी का परम के इतने पास रहना उनके अपने बच्चे के लिए सेफ नहीं है। घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको गलती से भी इस बच्चे के पास मत आने दीजिए। इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर मदर एंड चाइल्ड। चुकते स्पीकर पे डाल। हेलो, कौन बोल रहे जी? सस्रीकाल। सस्रीकाल सर पुत्र, सस्रीकाल। आप प्लीज अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। क्यों, क्या हुआ है? परम को चिकन पॉक्स हुआ है। केड़ा पॉक्स? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स मतलब मम्मी जी माता निकली। ओह, परम नु माता जी निकल गई। हाँ जी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेहर जी आ रहे हैं, कि उनके बच्चे के लिए सही नहीं है। हेलो जी, की क्या तुसी जी? मेहर का बच्चा क्या कर रहा है सरब? ये लोग नहीं जानते हैं मेहर जी की प्रेगनेंसी के बारे में। पेट गया गुल, ताड़ी ते बत्ती हो गई गुल। पुत्र जी? हाँ मम्मी जी, वो मेरा मतलब है कि मेहर जी का यहाँ रुकना मेरे परम के लिए यानी मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है, क्योंकि मेहर जी यहाँ पर परम को नर्स रखने नहीं दे रही है। वो सारी देखभाल खुद ही करी जा रही है, और ऐसी सिचुएशन में किसी एक्सपर्ट का होना बच्चे के पास बहुत जरूरी है। सर पुत्र जी, तुसी बिल्कुल चिंता ना करो, साड़ी मेहर जी इसमें बहुत जी एक्सपर्ट है। अरे पिंड में जो बच्चे को बीमारी हो, जुकाम सर्दी हैजा पीलिया वीलिया, सब डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, सीधा मेहर के पास आते थे। पता है मेहर को क्या बोलते थे? MBBS, मेहर बीमारी भगा दे शुभ शटाक। सरब पुत्र, आपने अपने परम के लिए मम्मी नंबर वन ढूंढी है जी, मम्मी नंबर वन। तुसी बिल्कुल चिंता ना करो, साड़ी MBBS सब ठीक कर देगी। मम्मी जी आप समझ नहीं रही हैं। देखिए परम के पास किसी नर्स का होना बहुत जरूरी है। चिकन पॉक्स जैसी कंडीशन में मेहर जी का रुकना उनके लिए सही नहीं है, उनका दूर रहना ही परम से बेहतर है। लो जी, तुसी ते मजाक कर रहे हो जी। अरे पूरा पिंड जानता है कि आपका तो महल जैसा घर है। कितने कमरे हैं आपके पास? जब तक परम ठीक नहीं हो जाता मेहर किसी दूसरे कमरे में सो लेगी। इसमें क्या बड़ी बात है जी? चलो ये तो अच्छा किया आपने हमें बता दिया जी, मैं तो अपने परम पुत्र को मिलने आ रही हूँ। चंगा जी। हाँ जी चंगा। सस्रीकाल जी, सस्रीकाल। वंडरफुल जी, वंडरफुल। ओ की गल हो गई मम्मी जी, ऐसा भी क्या वंडरफुल हो गया? परम नु माता जी निकले ने, हम लोग उसको मिलने जा रहे हैं। चलो चलो छेती तैयार हो जाते हैं। इसमें कौन सी वंडरफुल वाली बात है? सरब परम की बीमारी से बड़ा ही परेशान है। तो क्या तुसी परेशान हो यूवी के दाखले के लिए?
वो परेशान है उसकी बीमारी के लिए, एक परेशान पियो दूसरे परेशान पियो का दर्द समझ सकता है। अमृता पुत्र, तू यूवी की यूनिफॉर्म सिलाने की तैयारी शुरू कर दे। आज सरब से कह के मैंने परम के स्कूल में यूवी का दाखिला करवाई देना है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं देख के बताता हूँ आपको। चिकन की खुशबू, पीफो परम को बहुत भूखी लगी है। जी हाँ, और आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, वो परम की तबीयत ठीक नहीं है, चिकन पॉक्स हुआ है। थैंक्स सो मच। परम बाबा किधर जाता? चलो अपने रूम में। आपको ना, मैं आपका नर्स, आपके पापा ने मुझे आपको संभालने को रखा, अभी अपने रूम में जाओ फास्ट। परम को मेरे मम्मा के पास जाना है। आपका मम्मा बिजी नहाता, गो टू योर रूम फास्ट। आपको अपने रूम में नहीं जाना? नहीं जाना। नहीं जाना? नहीं जाना। ठीक है, तो फिर आपको अपने रूम में नहीं जाना ना, हम आपको इतना बड़ा इंजेक्शन लगाना। आप गंदे हो, गंदे हो। परम, परम मेरा पाया सूप रेडी है? बन रहा है मैम। गुड। आपके लॉलीपॉप से भी रेडी? अरे तो लेके आना बलवंत, के तू खुद ही खाएगा। ए रॉबी, बियर देना लॉलीपॉप? कम ऑन मॉमसी, बच्चों वाला लॉलीपॉप नहीं, चिकन लॉलीपॉप। मैम आपका बॉइल्ड चिकन भी रेडी है। कूल, उसमें थोड़ा लेमन भी डाल ले। चलो मैम। छोड़ इसको, तेरा बेड़ा गर्क होए तेरा रॉबी, हट परे। ओ परम पुत्र, तू थल्ले क्यों आया है? परम, यू गो टू योर रूम। मेहर मम्मा ने कहा था ना, जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे आप रूम से बाहर नहीं आओगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसकी नर्स कहाँ है? नर्स गंदी है, तेरे चिकन पॉक्स जैसे बड़े अच्छे हैं। खुशी, यू गो टू योर रूम। परम पुत्र, प्लीज गो टू योर रूम। ओए जा हुण, सानू भी बीमार करना है। ओए मां, परम को भूखी लगी है, परम को चिकन खाना है। ओके परम बाबा, अभी लाया। नहीं, परम चिकन नहीं खाएगा। परम को चिकन खाना है। नहीं, परम चिकन नहीं खाएगा, परम अपने रूम में जाएगा। परम को चिकन क्यों नहीं खाने दे रहे? सब तो खा रहे। कोई नहीं खा रहा है चिकन, आप प्लीज अपने रूम में जाओ। आप परम से प्यार नहीं करती, इसके लिए आप परम को चिकन नहीं खाने दे रहे। परम प्लीज बेटा अपने रूम में जाओ। परम को भूख लग रही है, परम को चिकन खाना है। ये क्या है? पाया सूप। और वो बॉइल्ड चिकन एंड लॉलीपॉप। इतनी हिम्मत? जब तक परम ठीक नहीं हो जाता इस घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। मेरू, क्या हुआ भाई? दिमाग ठीक है तेरा? पागल तो नहीं हो गई ना तू? मेरा पाया सूप, इसके चिकन लॉलीपॉप, इसका बॉइल्ड चिकन सारा फेंक दिया। तेरी माँ ने यही सिखा के भेजा है। मेहर, व्हाई डिड यू डू दिस? दीदी वो एक्चुअली डॉक्टर ने मना किया कि जब तक परम ठीक नहीं हो जाता उसे नॉनवेज नहीं दे सकते। भाई परम को नहीं खाना है ना, हम सारों ने कौन सा कुफर तोला है? हमें तो नहीं हुआ ना चिकन पॉक्स। डॉक्टर ने मना किया है कि जब तक परम नहीं ठीक हो जाता तब तक नॉनवेज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? वो क्योंकि नॉनवेज की स्मेल से परम का भी खाने का दिल करता है। आप सबने देखा ना कैसे वो रोता हुआ गया। अच्छा,
तो एक परम के चक्कर में हम सारे फिर क्यों रोएं? वो मैं बस इतना कह रही हूँ कि कुछ दिनों की तो बात है, अगर घर के बड़े परहेज करेंगे तो परम भी परहेज कर पाएगा, इसलिए बेहतर है कि कुछ दिनों तक हम सिंपली खाना खाए। वाह जी वाह, विख्या है सरब, ऐ तो मैनर्स ने तेरी वाटी दे। ये मेरा सारा पाया सूप इसने सिंक में बहा दिया, सारा का सारा चिकन इसने डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने पूछा तो कहंदी है कि डॉक्टर ने मना किया है। ओए भाई, मेरे डॉक्टर ने भी बोला है कि मुझे रोज पाया सूप पीना ताकि मेरी बॉडी को प्रोटीन मिले, पर नहीं, इसको तो सिर्फ अपने परम के चिकन पॉक्स की चिंता है, मोमसी की चोट का तो इसे जरा भी ख्याल नहीं है। देख लिया सरब, ये है तेरी मोमसी की इज्जत तेरे घर में। मोमसी, आपकी इज्जत सिर्फ इस घर में नहीं, हमारे दिलों में भी है। पर मेहर जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेहर जी जो भी कर रही हैं परम के लिए कर रही हैं। और अब जब तक परम सही नहीं हो जाता, इस घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। वंडरफुल जी वंडरफुल, देखा कैसे मेहर की साइड ले रहा है मेरा जुआई, और उस रुट जानी है डॉली के खिलाफ जाकर। ये दिन देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। सस्रीकाल जी, सस्रीकाल, सस्रीकाल जी, सस्रीकाल जी। वेख्या डॉली जी, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਖ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੁੜੀਏ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਂ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਵੀਰ ਜੀ, ਪਾਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਪਰਮ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। देखिया जी, कितनी फिकर है इसको परम की। अजी, सेवा करने के मामले में मेरी मेहर जुनूनी है जी, जुनूनी। कितना प्यार करती है, कितना ख्याल है उसे परम का, कि अपनी मम्मी जी से भी नहीं मिली। वैसे बिन बादल बरसात की तरह आने की वजह है? आने की वजह? तुसी मैनू वजह पूछ रहे? मेरे परम नू जी माता जी निकली है, माता जी। मैं उसकी नानी हूँ, मैं नहीं आऊँ उसे मिलने के लिए? जब से मैंने सुना है, मेरे तो रूह काम गई है जी, कलेजे बिच हॉल पड़ रहे ने हॉल। कुड़िये, किथे है परम, मैनू ले चलो। आंटी जी, वो महर के रूम में है। प्रीति भाभी, आप आंटी को ले जाओ। आंटी जी, तुसी मेरे नाल आओ जी, आओ। ओ परम पुत्तर, ड्रामा क्वीन। आई, ओ प्रीति जी, किथे मिला पलम? आई है, आई है। उसकी सारी बीमारी मुझे लग जाए। आ गई है तेरी नानी जी, अब सारी मुसीबतें, सारी बलाएं मुझ में लग जाए जी। इतने चलना है। आंटी जी, मेरे नाल आइए। परम की नानी आ गई जी, परम की ना। सत श्री अकाल। परम की मम्मा की मम्मी जी, परम इधर है। की कर रही है कुलवंत कौरे? ऐसी बीमारियां देखने से ही फैल जाती है। इतनी भी एक्टिंग ना कर कि बाद में तेरे को ही पछताना पड़े। क्यों है आंटी जी, आओ ना। नहीं जी, नहीं। तुसी जाओ, मैं नहीं अंदर जाना। जाओ, आप भी चलो। मैं नहीं जा सकती अंदर, मैं परम की ऐसी हालत नहीं देख सकती। रब ने मुझे क्यों नहीं उठा लिया, रब ने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? नहीं जी, नहीं। तुसी जाओ जी, तुसी जाओ। जान बची जी, जान बची, वरना पी फॉर परम के चक्कर में मैं भी बिस्तर विच लम्मे हो जाना सी।
क्यों आए हो आप यहाँ? क्यों आई हूँ मैं यहाँ? मेरे परम नू माता जी निकली है। दिखावा मत करो सरपंच जी। वाह पुत्र जी वाह, मेरे को तेरा समझ नहीं आता। कभी कभी परम के हाथ से फोन करवाती है बोलने के लिए मम्मी जी आई लव यू, और कभी कभी डॉली जैसे उस बेले बंदे ने मौका देती है बात करने का। पता क्या बोलती? मेहर तो आपको फोन भी नहीं करती, ना ऐसे ना वैसे, और अब तक आपके घर में पग फेरे के लिए भी नहीं आई। मेरे पग फेरे का तो पता नहीं, पर आपके पग फेरे के पीछे जरूर कोई वजह है। असली वजह क्या है यहाँ पे आने की मम्मी जी? हायो रब्बा, मेरी कुड़ी किन्नी चंगी तरह पहचानती है अपनी मम्मी जी ने। आई तो मैं थी सच्ची यूवी का दाखला कराने की बात करने, पर अब तो लगता है इसके मूड की तरह ये मौका भी ठीक नहीं है। मैंने कुछ पूछा आपसे? क्यों आए हो आप यहाँ? सरब ने फोन किया था, परम की तबीयत ठीक नहीं है तो मेहर जी को परम से अलग रहना होगा। नहीं पुत्र, नाराज नहीं होते। मैं नहीं चाहती कि तू परम से दूर रहे। मैं तो बोल रही हूँ तू उसकी सेवा कर और मम्मी जी का नाम रोशन कर। और जैसे आज तूने आंखों में आंखें डालकर उस रुड़जानी डॉली को जवाब दिया ना, वैसे ही किया कर। देखा सरब को भी कितना अच्छा लगा, कैसे साइड ली उसने तेरी। तूने इस महल में राज करना है राजपुत्र जी। वंडरफुल। हेलो अदरका जी, मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूँ परम की दवाइयों का, वो प्लीज जल्दी चाहिए। जी थैंक यू। क्या जरूरत थी सबके सामने मेरी साइड लेने की? सॉरी, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। मेरी ये वाली लैंग्वेज समझ नहीं आती है मुझे। मैं अच्छा खासा डॉली मॉम्सी से बात कर रही थी ना, आपको डॉक्टर ने बोला था क्या बीच में पढ़ने के लिए? कितना बुरा लगा खामखा। ये सब छोड़िए, ये बताइए कि क्या जरूरत थी आपको सबके सामने मेरी साइड लेने की? तो नीचे जाके वापस कर दूं आपकी सो कॉल्ड साइड? अब और स्मार्ट बन रहा है। ये आपको कुड़कुड़ करने की आदत बचपन से है या बड़े होके कोई स्पेशल कोर्स किया आपने? देखिए जो मुझे ठीक लगा ना वो मैंने किया, अब मैं थैंक यू सो मच। आपको मेरा किया हुआ कुछ तो ठीक लगा? अब जो ठीक है वो मुझे ठीक ही लगता है। अगर ठीक लगा होता तो परम को मुझसे दूर करने के लिए मेरी मम्मी जी को आपने यहाँ पे क्यों बुलाया? स्कूल और कॉलेज में आपका फेवरेट स्पोर्ट लॉन्ग जंप था क्या, जो एक बात से दूसरी बात पर ऐसे छलांगे मारते रहते हो? मेरे फेवरेट स्पोर्ट का तो पता नहीं, पर आपका फेवरेट स्पोर्ट 100% ऊंच नीच का पापड़ा होगा। छलांगे आप मार रहे हैं, मैं नहीं। एक तरफ कहते हैं महजी आपने सब ठीक किया, दूसरी तरफ कहते हैं महजी आप कुछ मत करो। ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में ना दल बदलू कहते हैं। व्हाट इज दिस दल बदलू? और नहीं तो क्या, अगर आपको मेरा किया हुआ ठीक लगा तो नर्स बुलाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी होंगी आप अपने पिंड की MBBS। मेहर बीमारी भगाए सूचो टाक। एक मिनट, ये आपसे मेरी मम्मी जी ने कहा है? नहीं नहीं, न्यूज में देखा था। ऑफ कोर्स आपके मम्मी जी ने कहा है। मैं जी प्लीज, आपका परम के पास रहना आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। परम को नर्स संभाल लेगी, अब आप प्लीज अपने बच्चे को संभालने में थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाइए। ओके, जिम्मेदारियों की नसीहत ना आप मुझे मत दीजिए। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी टाइम पे संभाली होती और परम की वैक्सीनेशन कराई होती तो आज बेचारे बच्चे को ना चिकन पॉक्स नहीं होता। यार कोई बाल की खाल निकालना ना आपसे सीखे। सीरियस? और कोई रस्सी की बाल निकालना आपसे? ऐसा कोई मुहावरा नहीं होता है। बचपन में मैं थोड़ा मुहावरों में वीक थी। तो जरूरत क्या है, कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या हमारे बीच में मुहावरों का? आप ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आप मेरी साइड क्यों नहीं? जी प्लीज, तुसी जीते ते मैं हारिया। ओके अब प्लीज देखो परम के लिए दवाइयाँ मंगवाने दो। हूँ क्या? परम के लिए दवाइयाँ मैं ऑलरेडी मंगवा चुकी हूँ। आप प्लीज नीचे जाइए और डॉली मोम्सी से बात कीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, एक दो घंटे में ठीक हो जाएंगे। सब लोग ना मेहर को ढिलो नहीं होते। आप नीचे जाइए और प्लीज डॉली मोम्सी को मनाइए। मेहर जी मेरी मोम्सी है ना, मुझे पता कैसे मनाना है। सर चेती चल। क्यों दी? तू चल ना, डॉली मोम्सी कार छोड़ के जा रहे हैं। व्हाट?